हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ बोथ. सो हम लोगों यहाँ पे एमसीक्यू सेशन अपना करते हैं, जिसमें कल हम लोगों ने करा था टॉप 100 ऑगस्ट करंट अफेयर्स 2020 के, जिसका पार्ट वन करा था. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करके इसका पार्ट टू करते हैं. ठीक है, उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. तो जल्दी से शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे टू कॉमेमोरेट द स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया. नेशनल हैंडलूम डे जो है वो आपको बताना है कब मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है, टू कॉमेमोरेट द स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया. ठीक है, तो बताओ कब मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे. ये बनाया जाता है 7 अगस्त को. ठीक है, 7 अगस्त ऑप्शन बी, और ये पहली बार 2015 में हुआ था. ठीक है, 2015 में इसको पहली बार मनाया गया था. ठीक, अगला देखते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द पार्टनरशिप विद गूगल फॉर इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल एजुकेशन टूल्स इन स्कूल. इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें वो इंट्रोड्यूस करेंगे डिजिटल एजुकेशन टूल्स स्कूल्स में. स्कूल्स में पढ़ाने के लिए दे विल यूज डिजिटल टूल्स. ठीक है, तो किसने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है, सो दैट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट. ठीक है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र. और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है उद्धव ठाकरे. ठीक है, ही इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. अगला देखते हैं. उत्तराखंड अलोंग विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज UNDP इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट विच कंजर्वेशन सेंटर इन उत्तराकाशी फॉरेस्ट. उत्तराखंड UNDP के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके इंडिया का पहला कंजर्वेशन सेंटर डेवलप कर रहा है उत्तराकाशी फॉरेस्ट में. तो आपको बताना है कि उसका नाम क्या है, विच कंजर्वेशन सेंटर, इंडिया का पहला कंजर्वेशन सेंटर. उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी बताना अगर पता हो तो. यस, सो दैट इज स्नो लेपर्ड. ठीक है, ऑप्शन है स्नो लेपर्ड. और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत. ठीक है, अगला देखते हैं. IISc बेंगलुरु हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट MITR लैब फॉर कंडक्टिंग 9000 टेस्ट पर मंथ. IISc बेंगलुरु ने क्या करा है, उसने पहली इंडिया की पहली MITR लैब डेवलप की है, जिसमें वो 9000 टेस्ट कंडक्ट करेंगे पर मंथ. व्हाट टेस्ट? कोविड टेस्ट. ठीक है, जो PCR टेस्ट वो कोविड के है ना, वो कंडक्ट करेंगे 9000 टेस्ट पर मंथ. तो आपको बताना है कि M क्या है MITR में. ठीक है, बताओ व्हाट इज M इन MITR. ठीक है, सो एम है मोबाइल, ऑप्शन डी मोबाइल. और अगर हम इसका पूरा फुल फॉर्म देखें तो वो है मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग. याद रखना, मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग. अगला देखो, विच पेमेंट बैंक हैज टाइड अप विद भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर शॉप इंश्योरेंस फॉर इट्स रिटेलर्स एंड मर्चेंट्स. इनमें से किस पेमेंट बैंक ने भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप करा है, जिसमें वो शॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे रिटेलर्स और मर्चेंट्स के लिए. बताइए कौन सा बैंक है, और साथ में ये जितने भी पेमेंट बैंक है इनके हेडक्वार्टर भी बताना क्या क्या है, बिकॉज इनके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का भी. यस, सो दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट बैंक. ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. इसी के साथ IPPB जो है इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. ठीक है, उसके बाद हम बात करें पेटीएम की तो इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में. जियो की बात करें तो ये है नवी मुंबई में. और उसके बाद आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. ठीक है, और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है. ठीक है, याद रखना ये. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्लोमेरेट टॉप द 2020 फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स. इसमें से किसने 2020 फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स टॉप करा है. ठीक है, बताओ. सेकेंड और थर्ड रैंकिंग्स भी पता हो तो वो भी बताना कि सेकेंड और थर्ड किसको मिला है. यस, सो दैट इज एप्पल. ठीक है, एप्पल ने टॉप करा है. ऑप्शन ई सैमसंग थर्ड पे है. ठीक है, सैमसंग इज ऑन थर्ड एंड फर्स्ट, सॉरी सेकेंड पे है मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये सेकेंड पे है. ठीक, अगला देखते हैं. रॉकफेलर फाउंडेशन हैज पिक्ड वेयर बेस्ट नांदी फाउंडेशन फॉर फूड विजन 2050 प्राइस ऑफ $2 लाख. ठीक है, रॉकफेलर फाउंडेशन ने एक नांदी फाउंडेशन को पिक करा है किसके लिए, फूड विजन 2050 प्राइस के लिए, जो कितने का है, $2 लाख का. ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ से है, कहाँ की बेस्ड है, किस जगह से की बेस्ड है ये फाउंडेशन. सो दैट इज बेस्ड फ्रॉम हैदराबाद. ठीक है, सो ऑप्शन सी हैदराबाद.
अगला देखो, विच कंट्री विल होस्ट 2022 एडिशन ऑफ मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप? इनमें से कौन सा कंट्री होस्ट करेगा 2022 मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप? साथ में ये भी बताना कि 2021 कौन सा करेगा और आईसीसी के चेयरमैन क्या है, सॉरी आईसीसी के चेयरमैन कौन है ये भी बताना। यस, सो 2022 का तो ऑस्ट्रेलिया करेगा, ठीक है याद रखना ऑस्ट्रेलिया। 2021 का इंडिया कर रहा है होस्ट, ठीक है 2021 इंडिया। और आईसीसी के अगर हम चेयरमैन की बात करें तो वो है मनु सानी, ठीक है ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी। अगला देखो, हु हैज रिसेंटली अनाउंस, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस द स्टेट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 डिवाइडेड इन 15 थ्रस्ट एरियाज इन कोर सेक्टर्स एंड सनराइज सेक्टर्स? इनमें से किस स्टेट ने अनाउंस की है स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 जो कि 15 थ्रस्ट एरियाज में डिवाइडेड है कोर और सनराइज सेक्टर्स में? तो बताइए कौन सी स्टेट ने करा है और स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी बताना, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट? सो यस दैट इज गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात, ठीक है। और गुजरात के करंट सीएम है, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, ही इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। अगला देखते हैं, हु रिसेंटली टुक ओथ एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी का फुल फॉर्म भी बताओ क्या होता है। यूपीएससी के करंट चेयरमैन कौन बने हैं, ठीक है यूपीएससी इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करंट चेयरमैन बने हैं आपके प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन ए प्रदीप कुमार जोशी। अगला देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे 2020 ऑब्जर्व्ड ऑन 9th ऑफ अगस्त? 9th अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है याद रखना, ठीक है 9th अगस्त को थीम बताओ क्या होगा। अब मैंने कल भी बोला था कि थीम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है तो जल्दी से बताओ इसका थीम क्या होगा। यस ऑप्शन ए COVID-19 एंड इंडिजिनियस पीपल्स रिसाइलियंस, ठीक है दिस इज द थीम फॉर 2020। अगला देखो, हु रिसेंटली टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका फॉर द फोर्थ टाइम? श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं चौथी बार, फोर्थ टाइम ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ टाइम इन अ रो बेसिकली, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर? साथ में प्रेसिडेंट भी बताना, करंट प्रेसिडेंट, और श्रीलंका की करेंसी और कैपिटल भी बताना। यस सो प्राइम मिनिस्टर बने हैं महिंदा राजपक्सा, ठीक है ये भी आ सकता है कि कौन सी बार बने हैं, सो याद रखना फोर्थ टाइम, ठीक है। प्रेसिडेंट है गोताबय राजपक्सा, ठीक है ये हैं प्रेसिडेंट, और श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी, ठीक है रुपी इज द करेंसी। अगला देखते हैं, NHAI has partnered with which institute to set up center of excellence for use of artificial intelligence? NHAI ने किस institute के साथ इनमें से partnership की है जिसमें वो set up करेंगे center of excellence artificial intelligence के use के लिए, AI के use के लिए। उससे पहले ये भी बताओ कि NHAI का full form क्या है, काफी लोग को अभी NHAI भी नहीं पता होगा कि क्या होता है। So NHAI is National Highway Authority of India, ठीक है National Highway Authority of India। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ठीक है IIT दिल्ली। अगला देखते हैं, पीएम मोदी हैज रिसेंटली रिलीज द 6th इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउ मच करोड़ अंडर पीएम किसान स्कीम? नरेंद्र मोदी जो है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 6th इंस्टॉलमेंट रिलीज करा है पीएम किसान स्कीम के अंडर, ठीक है तो आपको बताना है कि वो कितने करोड़ का इंस्टॉलमेंट है। ये भी बताओ कि ये स्कीम होती क्या है और ये कब लॉन्च हुई थी, इसका लॉन्च ईयर भी बताना कौन सा है। यस सो ऑप्शन डी 17,100, ठीक है ये तो 6th इंस्टॉलमेंट रिलीज करा है करोड़, ठीक है याद रखना। और ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2018 में, 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो 6,000 मतलब एनुअली हर साल 6,000 अमाउंट प्रोवाइड करेगी किसानों को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, याद रखना 6,000 एनुअली इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है मतलब 2,000 ईच बोल लो आप। अगला देखो, फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल लेशराम मनी टोम्बी सिंह पास्ड अवे रिसेंटली हुज एज वाज 40? तो फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल विच प्लेयर, आपको ये बताने कि वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे, लेशराम मनी टोम्बी सिंह जिनकी डेथ 40 साल की उम्र में हो गई, हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 40? यस सो ही वाज इंडिया इंटरनेशनल फुटबॉलर, ठीक है याद रखना फुटबॉलर, ऑप्शन ए। अगला देखो, 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? बताओ 2026 फीफा वर्ल्ड कप इनमें से कौन से कंट्री होस्ट करेंगे? दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बताओ ऑप्शन। यस सो बोथ ए एंड सी, ठीक है ऑप्शन डी यूएसए एंड कनाडा, और इसके साथ एक और कंट्री है विच विल होस्ट विच इज मेक्सिको, ठीक है
तो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको ये तीनों मिलके फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे 2026 का। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होस्ट कर रहा है कतर, याद रखना ठीक है। कतर विल होस्ट 2022 और ये तीनों मिलके 2026 का होस्ट करेंगे ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स रिसेंटली अप्रूव्ड अ पॉलिसी ऑन सीट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल्स। विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल्स में जो वुमेन की सीट को रिजर्व करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में एक पॉलिसी अप्रूव की है, बताओ क्या आंसर होगा इसका, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कराया है ऐसा। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, एज आई सेड कि नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है ऑप्शन में। सो वो स्टेट गवर्नमेंट है मेघालय, ठीक है, द स्टेट इज मेघालय, याद रखना ठीक है। अगला देखते हैं, केवीआईसी फर्स्ट एवर ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर हैज बीन सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, खाली एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने अपना पहला ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर जो है वो किस स्टेट में सेटअप करा है, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर। यस, सो दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला देखो, व्हेन इज वर्ल्ड लायंस डे ऑब्जर्व, वर्ल्ड लायंस डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड लायंस डे। यस, सो दैट इज ऑप्शन बी अगस्त 10, ठीक है, अगस्त 10 को बनाया जाता है वर्ल्ड लायंस डे। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एक्वायर्ड 4.9% स्टेक इन यस बैंक। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में 4.9% स्टेक यस बैंक में एक्वायर करे हैं, याद रखना ये वैल्यू 4.98%। और यस बैंक और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम मुझे यहाँ बताएंगे उसका हेडक्वार्टर भी बताना। यस, सो दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, ऑप्शन सी, और दोनों के हेडक्वार्टर याद रखना मुंबई है, ठीक है, यस बैंक और LIC दोनों के हेडक्वार्टर हैं मुंबई में, ठीक है। सो इसी के साथ यहाँ पे आपका पार्ट टू भी कम्प्लीट होता है, हम आपके लिए पार्ट थ्री भी लेकर आएंगे, ठीक है। सो वी विल कम अप विद ऑल दीज MCQ सेशन, और साथ ही साथ वी आर प्लानिंग टू कम अप विद सम हिंदी सीरीज फॉर योर अपकमिंग RRBPU एंड RRB क्लर्क। आपको पता है मेंस में हिंदी आती है राइट, और काफी बच्चे प्रॉब्लम भी फेस करते हैं उसमें, सो वी आर प्लानिंग टू कम अप विद दिस एज वेल। सो प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस सीरीज एंड यू वॉन्ट अस टू कम अप विद सच, ठीक है। सो प्लीज डू पोस्ट इट इन द कॉमेंट्स, और लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू दिस बेल आइकन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पे एज आई टोल्ड की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स है, कमेंट में भी आपको एक टेक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, सो जस्ट गो थ्रू दोज लिंक्स, ठीक है, जस्ट प्लीज गो थ्रू दोज लिंक्स, दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू।